हेलो माय ओडो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर गुड एंड डूइंग वेल एंड आप सारे लोग सेफ होंगे अपने घर में। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, पर कल संडे है तो कल मुझे और सारे वीडियोज शूट करने हैं। आज मैंने सोचा कि ठीक है आज मैं एक वीडियो जरूर डालूंगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल होने वाला है और मेरे सारे वीडियोज से हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ। यस, तो आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ एक लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। बहुत सिंपल, ओनली 5 प्रोडक्ट्स से मैं लुक क्रिएट करूँगी। क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, अगर आप डेली ऑफिस आते हैं या फिर अगर आपको डेली कहीं जाना है, तो बहुत ही सिंपल 5 प्रोडक्ट से मैं आप लोगों को फॉर्मल या फिर आप कॉलेज गोइंग गर्ल यू नो ये लुक बहुत ही जल्दी विद इन 10 मिनट्स ये लुक क्रिएट कर सकती है। क्योंकि मैं ऐसा जानती हूँ, मतलब कि ठंडी के मौसम में जो वर्किंग है, जो वर्किंग वुमेंस है या फिर जो लड़कियाँ कॉलेज गोइंग गर्ल है जो जाती हैं, उनके लिए तैयार होना बहुत ही टफ है। मीन्स अगर आप 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो आज बनाऊँगी। सो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो एज़ यू कैन सी माई फेस, अब मेरा चेहरा बिल्कुल उतर चुका है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर सम डेज। सो लेट्स लीव इट। सो पहला जो काम होता है मेकअप स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट यू शुड मॉइस्चराइज योर फेस। सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे एम कैफीन का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अपने हिसाब से जो भी मॉइस्चराइजर आपको पसंद हो, आपके स्किन पे जो सूट करता हो, यूज़ कर लेना। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी ले रही हूँ इन दिस। गाइस एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी, मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती क्योंकि मुझे उतना एडिटिंग आता भी नहीं है। बस नॉर्मल जो भी होता है मैं कर दे रही हूँ, ना ही मैं कट वगैरह करती हूँ, क्योंकि जो रियल होता है मैं वही दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। अच्छे से इसे हम टैप टैप कर देंगे। मेक श्योर जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाओ, आपको एकदम रगड़ना नहीं है, नहीं आपको हल्के हाथों से, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने फेस फेस को अच्छे से टैप टैप करो लाइक दिस। फिर इसे आप एटलीस्ट 2 से 3 सेकेंड रहने देंगे आपके फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। यू कैन सी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही फेस पे कैसे शाइन आ गया। जो मेन थिंग है वो है सनस्क्रीन बहुत ही एसेंशियल होता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, वेदर मतलब धूप है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे एरोमा मैजिक का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे सूट करता है। इसका मैं रिव्यू दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो, ये कैसा है, कितना प्राइस है। और फिलहाल मैं सनस्क्रीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सो इतनी क्वांटिटी अब ले लूँ सनस्क्रीन की, ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है तो मेरे स्किन में बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो सनस्क्रीन हमने लगा लिया है, अब जो बारी आती है वो आती है आपके फेस को थोड़ा सा टिंटेड ग्लो देने की। सो यू कैन यूज़ लैक्मे सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे लैक्मे 95 सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ये मेरा फेवरेट है और अच्छा कवरेज देता है और ईजिली आपके फेस में अब्सॉर्ब हो जाता है और डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पे 95 यूज़ कर रही हूँ सीसी। आप चाहे तो बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाने के बाद हम लगाएंगे लैक्मे 95 सीसी क्रीम। आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं ये सीसी क्रीम 3 से 4 साल पहले से यूज़ कर रही हूँ और ये भी बहुत पसंद है। सो यू कैन सी खत्म भी हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। सो so,
करके अच्छे से इसको वैसे एज अ कंसीलर यूज कर ली। सो इतना लेके इसको लगाने के मतलब आपने लगाओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि यस इट्स गिविंग वाइट इज कास्ट, बट विद इन 5 मिनट्स बहुत अच्छे से आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाएगा और आप ग्लो देखोगे। एक्चुअली आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा बिकॉज मैंने कट नहीं किया है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं 10 मिनट का मेकअप इसलिए बोला था और जो इतना टाइम नहीं है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आप क्या करते हो जब आपको जाना होता है, मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगाया, ये लगा लिया, उसके बाद जो मैं बता दूँ वो इसको आप तब तक अपना होने दीजिए एब्सॉर्ब, तब तक हम जल्दी से आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप मैं बहुत ही न्यू रखूँगी यहाँ पे, वैसे ब्यूटी का ब्राउन आई शैडो, ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, कर दूँगी अगर आपको चाहिए तो। सो मैं इसे अपने आईब्रो सेव कर लूँगी। बहुत ही मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट, बहुत ही लाइट मेकअप रहेगा मेरा क्योंकि डेली ऑफिस वेयर मेकअप है ना, तो मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी। बहुत ही इजी प्रोडक्ट्स, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स है। अब आपको चाहिए कि अगर आपको मस्कारा लगाना हो तो आप मस्कारा भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू ना। अब जो बारी आती है वो है आईलाइनर की, आईलाइनर भी आपके ऊपर है, अगर आपको आईलाइनर लगाना हो तो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना लुक एनहेंस करना चाहती हूँ, सो मैं यहाँ पे आईलाइनर लगाऊंगी विंड वाला। इसका मैंने ऑलरेडी भी शेयर कर दिया है, इफ यू हैव नॉट सीन दैट देन गो एंड चेक, बहुत अच्छा है ये तो, मस्ट होना चाहिए बिगिनर्स के लिए या फिर जो भी डोंट चाहती है। क्योंकि भाई मुझसे तो आईलाइनर लगता नहीं है जल्दी, बट इसकी हेल्प से मैं लगा लेती हूँ बहुत ही इजीली और मेरा विंग भी बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाता है। अगर आपको आई शैडो लगाना होगा तो वो आपके ऊपर है, लगा सकते हो। मैंने लगाने में बहुत ही सिंपल मेकअप कर रही हूँ यहाँ पे, as you can see बहुत ही इजली। एक्चुअली मुझे आईलाइनर में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, मैं लगाती ही नहीं थी, पर अभी मैं लगाना स्टार्ट कर दी हूँ धीरे धीरे। यू कैन सी हाउ इजली मैं लगा लिया। इसे थोड़ा सा ब्राउन आउट हो जाएंगे। अगर आपको आई शैडो लगाना होगा तो आई शैडो लगा सकते हो, मैंने लगा ली, बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। अगर आपको काजल यूज़ करना होगा तो आप काजल यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे काजल नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। अब बारी आती है लास्ट लिपस्टिक की, लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे फॉरएवर मैट लिप कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो शेड है वो है 05, इसका भी मैंने रिव्यू दे दिया है, अगर देखना होगा तो यू कैन चेक। This is my final look after wearing makeup, lipstick wear करने के बाद ये मेरा final office look है। आप हेयर स्टाइल अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको क्रिएट करना हो। You can see. So I hope कि मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।